हेलो नमस्कार, मैं विकास त्यागी स्वागत करता हूँ आप सभी का एग्जाम बाबा 247 पर। और प्रीवियस पेपर से रिलेटेड जो भी अच्छे क्वेश्चन होते हैं, जिन क्वेश्चन में कोई ट्रिक होती है, जिन क्वेश्चनों को करने का कोई एक बहुत आसान तरीका भी होता है, ऐसे बहुत सारे सवाल मैं आपके सामने लेकर आता हूँ। ठीक है, तो उसी कड़ी में एक सवाल आपके सामने ये रहा भाई। देखिए सवाल क्या कह रहा है, SHPRIOPKNMNM, और आपके सामने चार ऑप्शन दिए हैं। देखो भाई, कुछ बच्चे हैं जो इस वाले सवाल में काफी समय लगाने वाले हैं, और कुछ हैं जो एक छोटी सी ट्रिक के साथ में इस सवाल को बड़ी आसानी से कर लेंगे। देखो भाई, जैसे SHPRIOPKNMNM, ये इसके आगे आपसे पूछा है। देखो भाई, अब जैसे अगर मैं बात करता हूं करने का तरीका, ठीक है, अगर आप इस सवाल को ऐसे भी करना चाहें, देखो M उसके बाद में फिर R आ रहा है, फिर P आ रहा है, फिर M आ रहा है। ठीक है, तो देखो M से कितना जाएंगे, +3। P से R पे जाने के लिए +2, और R से S पे जाने के लिए कितना, +1। ठीक है, इसका मतलब यहां से जो M आ रहा होगा वो कितने पर आ रहा होगा, +4 पर। ठीक है, +4 पर तो क्या जाएगा भाई, I, क्या जाएगा I। अब देखो I किस किस में है, पहले दूसरे और तीसरे ऑप्शन में है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन कटा। ठीक है, H के बाद, अब देखो H के बाद किस पर जा रहे हैं भाई, I पर, कितना, +1। आई के बाद के पर +2, के से एन +3, अब एन से कितना जाएंगे, +4, कितना आर। ठीक है भाई, कितना आर। अब ऐसे ही पी पर जाने के लिए, पी पर जाने के लिए, और देखो जो समझदार बच्चे हैं, जो समझदार बच्चे हैं वो क्या करेंगे, जैसे उन्हें दिखा आई आर, ये तो आप फोर्थ नंबर तो पहले ही काट चुके हैं, है ना भाई, फोर्थ नंबर तो आप पहले ही काट चुके हैं, और आर अब बचता केवल किस में है, केवल और केवल थर्ड नंबर में आपका आर बचता है, केवल और केवल थर्ड नंबर में आपका आर बचता है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा चेक करने की जरूरत ही नहीं है भाई, दूसरा चेक करने की आपको जरूरत ही नहीं है। तो इस तरीके से आप अपना कुछ ना कुछ समय बचा सकते हैं भाई, इस तरीके से आप कुछ ना कुछ समय बचा सकते हैं, बाकी सब में तो पीछे एल है ही। तो जो बच्चे, अगर कोई बच्चा इस सवाल को पीछे से चेक करने की कोशिश कर रहा होगा, तो उसे अपने दिमाग में ये बात बैठा लेनी चाहिए। मैं बहुत सारे सवालों में कहता हूं, और जब भी ऐसा कोई सवाल आता है, मैं एक बात आप सभी को समझाता हूं कि ऑप्शन पर एक नजर जरूर डाल लिया कीजिए, और ये देख लीजिए कि आप कितने ऑप्शन, लगभग आपको ऑप्शन का जो हिस्सा है वो कितना आपको सिमिलर लग रहा है, तो उसे अवॉइड कीजिए, और जो ऑप्शन का जो हिस्सा थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर रहा है चीजों को, उस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करता, अगर मैं इसके अलावा भी किसी और तरीके से इसको चेक करने की सोचता, तो पहले मैं मिडिल पर जाता, जैसे ही मुझे मिडिल पर आर मिलता मैं इन दो को एलिमिनेट करता, और उसके बाद में फिर पहले वाले के लिए अप्रोच पर जाता। ठीक है, तो ऐसी ही अप्रोच और सीखेंगे हम आगे आने वाले सवालों में। तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, और आपके कोई सवाल हो, कोई सुझाव हो, कुछ सजेशंस हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं भाई।